नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 8 के लोगों को नहीं मिल रहा आवास एवं खाद्यान्न। आपको बताते चले कि नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 8 निवासी रुखसाना बानो पत्नी मोहम्मद अनीफ एक वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था, किंतु आज तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। परिवार में 8 लोग रहते हैं। CMO सुषमा मिश्रा कभी इस वार्ड का दौरा नहीं करती हैं। आइए हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं इस वार्ड में किस प्रकार की समस्या है, कौन सही है कौन गलत है, तो जांच के बाद ही पता चलेगा। प्राग एक्सप्रेस न्यूज़ से तहसील चीफ ब्यूरो कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। सफाई कर्मी आते हैं, पानी मिलता है, जो भी आपको दिक्कत है नगर परिषद में, है ना। नमस्कार, मैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज संवाददाता तहसील चीफ कमलेश शुक्ला के साथ आज नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 8 में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे जस्ट बिहाइंड ये मुस्लिम परिवार रहता है जो बहुत ही गरीब है, लेकिन एक वर्ष पूर्व इसने आवेदन किया था नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास के लिए। और तमाम समस्याएं हैं इनकी, मैं सीधे इनसे ही रूबरू कराऊंगा कि इनकी दिक्कत क्या है और नगर परिषद के द्वारा इनको कोई सुविधा क्यों नहीं मिल रही है। चाची क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए। रुखसाना बानो। आप ये बताइए कि आपने नगर परिषद में आवेदन कब दिया था आवास के लिए? एक साल पहले। तो वहाँ से आपको कुछ बताया गया कि आपको कब तक मिलेगा? अरे कहीं हो गया आई जी, एक महीना दो महीना से ऐसा कहा था, एक साल हो गया। अच्छा ये बताइए, सुषमा मिश्रा जो CMO हैं वो कभी आपके बाद में कभी दौरा करती हैं, आप लोगों से मिलने आती हैं? नहीं। आप पहचानती हैं उनको? नहीं पहचानती हैं। अच्छा और क्या दिक्कत है आपको? सब कुछ तो है, नाली है, ना कुछ हुआ है, मना की परेशानी, ना पानी, ना कुछ पानी भी नहीं मिलता है। अच्छा ये बताइए शौचालय बना हुआ है? शौचालय आपने बनवाया कि पैसा मिला? 12,000 मिला था। हाँ। अच्छा राशन कार्ड बना है आपका? खाद्यान्न मिलता है? हाँ। लेकिन आपको आवास नहीं मिला? नहीं। आपके फैमिली में कितने लोग हैं? 7 जने, हम 8 जने, मतलब सब जने मिले। सब लोग 8 लोग इसी झोपड़पट्टी में रहते हैं। आप सुन सकते हैं कि ये चाची 8 परिवार के साथ इसी में अपने बच्चों के साथ अपना जीविकोपार्जन करती है। यदि जोरदार मूसलाधार बारिश हो जाए तो ये झोपड़पट्टी कभी भी टूट के गिर सकती है, लेकिन नगर परिषद जो वार्ड क्रमांक 8 के अंतर्गत आता है, CMO सुषमा मिश्रा इस क्षेत्र का कभी दौरा नहीं करती। यहाँ पर पीने की पानी की समस्या है, सफाई कर्मी कभी नहीं आते हैं और आवास का चक्कर लगाते लगाते ये बूढ़ी हो गई, इनके पैरों के चप्पल टूट चुकी है, लेकिन आवास नहीं मिल पाया है। देखने वाली बात ही होगी जिला कलेक्टर महोदय का ध्यान इस ओर कब जाएगा, जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट।